हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड कुछ गाइडेंस के कार्ड लेंगे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से एक महीने बाद, छः महीने बाद या फिर जब भी। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द स्टार, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, द सन, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। मुझे लग रहा है प्रेजेंटली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, आपके पर्सन चाहते ये सब कुछ है लाइफ में और चल ये सब रहा है इनकी लाइफ में। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक टफ साइकिल से पास्ट में या तो गुजर रहा था या फिर अभी भी गुजर रहा है, लेकिन टफ साइकिल्स इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं जितना मैं समझ पा रही हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। आपके पर्सन ना आपको बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको आप में एक स्टार लाइक क्वालिटी है, आप में बहुत ज़्यादा हीलिंग पोटेंशियल है। मे बी ये हो सकता है कि पास्ट में आप जब भी उनके साथ रहे होंगे या जितना भी रहे होंगे आपने उन्हें बहुत हील करने की कोशिश करी है, तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ये भी हो सकता है आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ये भी हो सकता है आपको स्टारलाइट पर्सनालिटी हो सकते हो, ये भी हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ हीलिंग पोटेंशियल है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग पोटेंशियल है जी। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीरियस नहीं होगा क्योंकि सीरियस की भी सिचुएशन नहीं है, बट डेफिनेटली आपके पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक स्मूथ लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, जैसे सिचुएशन चल रही है ना अभी, मुझे लगता है कि या तो आपने गिव अप कर रखा है या आपके पर्सन ने गिव अप कर रखा है, भगवान पे छोड़ दिया है ये रिलेशनशिप की जो होगा भगवान संभालेंगे, जो होगा भगवान देखेंगे। अब आप लोग की सिचुएशन ऐसी हो गई, आपके पर्सन को लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, या आपको ऐसा फील होता है ये भगवान पे छोड़ दिया रिलेशनशिप। देखिए, आप लोग कितना भी अलग हो रहे हो ना, डिवाइन आपको सपोर्ट करे, डिवाइन आपको एक साथ लेकर आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है ना, डिवाइन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपके कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की कोई पास्ट की एनर्जीज हो सकती है, फैमिली हो सकती है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, उन्हें डर लगता है कि आप किसी और को ना चूज़ कर लो, ये उनके करेंटली दिमाग में चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप चल रहा है, ये इस चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप किसी और को चूज़ कर लोगे और उसके साथ निकल के आप घर बसा लोगे। बहुत देखिए, यहाँ पे ना ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं या आपकी लाइफ में, उन्हें ऐसा एक फील होता है कि आप किसी और को चूज़ करके किसी और के साथ घर बसाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपके पर्सन बिल्कुल चाहते हैं कि आप किसी और को ना चूज़ करो, आप सिर्फ उन्हीं को चूज़ करो। और आपके पर्सन ने आपको चूज़ करके रखा है फैमिली बसाने के लिए, घर बसाने के लिए, बिकॉज आपके पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, उन्हें कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। लेकिन इस समय ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जो पास्ट में जिस हिसाब से चीज़ें खराब हुई हैं, डेफिनेटली चीज़ें तो पास्ट में काफ़ी सारी खराब हुई हैं, आप उनकी लाइफ की ट्रू सनशाइन हो, आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में हर तरह की खुशियां हैं, हर तरह की ब्यूटी है,
हर तरह की यू नो एनर्जी है, पैशन है, फायर है, खुशियां हैं, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आप हो तो थोड़ा सा बेपरवाह हो जाते हो, बट मैं देख पा रही हूँ पास में इस रिलेशनशिप में ना इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं रहा है। कोई एक पर्सन यूजुअली देता रहा है, दूसरा पर्सन हमेशा लेता रहा है। इस हिसाब से भी थोड़ा सा ना रिलेशनशिप डिस्टर्ब है ये, बिकॉज जो देता रहा है देता रहा है देता रहा है, ठीक है वो सेल्फलेसली करता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशन आती है। कोई यहाँ पे वही बात है, भगवान तो नहीं है। हम जब देते हैं, ठीक है, बोलने को बहुत अच्छा लगता है, नेकी कर दरिया में डाल, होना भी वैसा चाहिए, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है वो इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक की वजह से नहीं हुआ है। एंड फ्यूचर में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो ये भी आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं। थोड़े से हैरान हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से दुखी हैं, काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद आप अभी ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हो, और पर उन्हें एक चीज़ का पूरा भरोसा है, कितनी भी टफ साइकिल रहे, कैसी भी टफ साइकिल रहे, किस भी तरह का रिलेशनशिप चले, वो हर एक चीज़ को पार करके ना एक सनशाइन आएगी इस रिलेशनशिप में। अभी तो उनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, अभी वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, उन्हें लगता है कि लाइफ में बहुत टर्बुलेंस चल रहे हैं, बहुत तकलीफें चल रही हैं, बहुत दुख चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का भी पूरा भरोसा है कि ये सारे टर्बुलेंस के बाद एक प्रॉपर सनलाइट आएगी इस रिलेशनशिप में। तो तब उनकी सारी एंग्जाइटी, जो सारी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम उनको जो हो रही है, वो जो फील कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम जो फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो फील कर रहे हैं, वो सारी तभी ठीक होंगी जब ये रिलेशनशिप ठीक होगा। और मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ब्यूटीफुल हो, आप शायद बहुत ब्यूटीफुल हो, इसलिए ऑब्सेशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। वेरी नाइस। हाँ, करंट थॉट्स बहुत अच्छे हैं, करंट एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फियर है, इनसिक्योरिटी है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। Abundance, balance, passion, release, wow, insecurity। मैंने कहा था ना insecurity बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है इस कार्ड से, कि बहुत ज़्यादा उन्हें insecurity होती है कि आप किसी और को ना चूज कर लो, या कोई और आपको ना चूज कर लो। ओके, आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज है, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है कंफ्यूजन क्लियरली नहीं, क्लियर नहीं हुई है, बट आप उनके लाइफ के ना ट्रू अबंडेंस हो, आप उनके लाइफ में हो, तो उनके लाइफ में सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी है, स्पिरिचुअल सक्सेस भी है, हैप्पीनेस भी है, सब कुछ, सारी खुशियां हैं उनकी लाइफ में, और मेन बैलेंस है, वो बैलेंस फील करते हैं। अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस फील करेंगे, रात में नींद नहीं आएंगी, डिप्रेस फील करेंगे, और बहुत एंग्जाइटी उनकी बड़ी रहेंगी, है ना। हेल्थ भी उनकी सपोर्ट नहीं कर रही है, माइंड भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं मन उनका नहीं लग रहा है, लेकिन आप उनकी लाइफ में हो, तो उनकी लाइफ में अबंडेंस है, बैलेंस है, आप बहुत स्ट्रांगली पैशनेटली कनेक्टेड है वो आपसे, और इस समय बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो पास की जो नेगेटिविटी हुई है आप दोनों के बीच में, या इस कनेक्शन के बीच में, या इस रिलेशनशिप के बीच में, उसको रिलीज करें, उसको रिलीज करें, एंड खुद में कंप्लीट फील करें, एंड बहुत खुश रहना चाहते हैं वो, काफ़ी खुश रहना चाहते हैं वो इस यू नो आपके साथ, बहुत खुशी महसूस करते हैं जब आप उनकी लाइफ में होते हो, जब नहीं होते हो तो नहीं महसूस करते, तकलीफ में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन इस समय बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है। जो भी आपकी सिचुएशन होंगी, जैसे भी आपकी सिचुएशन होंगी, देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन को मतलब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, तो वैसा नहीं है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली रहना चाहते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। शिवालरी, इमोशनल फ्रीडम, यस, इसी चीज़ से तो परेशान है, उनके इमोशन से उनको तकलीफ दे रहा है, वहां से वो फ्री होना चाहते हैं। द रेनबो रिवाइवर, बाउंड्रीज,
मुझे लगता है शायद आपने बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, पास्ट में दिल तो दिखाया ही है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आपके पर्सन डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो सकते हैं या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हो सकती है, जो भी है वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील करते हैं। आपको कहीं ना कहीं डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको एक अलग लेवल पे कुछ ना कुछ फील कराना चाहते हैं, लेकिन इस समय उनके लिए इम्पॉर्टेंट है इमोशनली वो अपने, उनके इमोशंस बैलेंस हो, वो इमोशनली फ्री हो, वो अपने इमोशंस के घेरे में नहीं बंधा रहना चाहते। अभी तो जो उनकी सिचुएशंस है ना, उनका ब्रेन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, उनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ रॉन्ग। खुश रहना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं जैसे बाकी लोग इन्जॉय करते हैं, ये ऐसे बंद किए, और वो दिमागी तौर पर परेशान नहीं रहना चाहते हैं, बहुत हैरान है, परेशान है, जिस तरह से आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं अपनी लाइफ में। अब आप शायद उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि आप प्लीज़ ये जो बाउंड्रीज हैं, इतनी बाउंड्रीज ना मेंटेन करें, थोड़ा विश्वास करें इस रिलेशनशिप पे और आपके पर्सन पे। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में बहुत दुख दिए हैं, किसी भी तरह के दुख दिए होंगे, कुछ अपने दिमागी तौर पे कुछ खेला होगा उन्होंने आपको, या बोल बोल के आपको तकलीफ दी होंगी, या बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन्स जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग फेमिनेंस जो होते हैं वो तकलीफ देते हैं किसी न किसी भी में, बिकॉज वो अपनी चलाते हैं ना, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनके अंदर कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, पर उनकी हालत बहुत ख़राब है, तुम देख सकते हो, एकदम डिस्टॉर्टेड है, परेशान है, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके पास, चाहे वो फेमिनाइन है चाहे वो मैस्कुलिन है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, समय उनका साथ नहीं दे रहा, समय उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली वाले उन पर चिल्लाते होंगे, घर वाले उन पर चिल्लाते होंगे, ऑफिस वाले उन पर चिल्लाते होंगे, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है उनकी लाइफ में। यहाँ से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। आई ऑलवेज टॉक अबाउट यू टू माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से वो आपके बारे में बताते हैं, आई एम क्रेजी अबाउट यू, बहुत क्रेजी है वो आपको लेके, वो तो खैर समझ में भी आ रहा है। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल, वेरी नाइस, कुछ ना कुछ रियल वो सॉलिड आपको ऑफर करेंगे। आई मिस बींग इंटीमेट विद यू, वेरी नाइस, लेट्स हील दिस, वो ना मिल के शायद इस रिलेशनशिप को और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।